चलिए शो की शुरुआत में सबसे पहले आज बात होगी कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की। इस वेरिएंट ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। ये वेरिएंट ऐसे समय में आया है जबकि पूरी दुनिया में क्रिसमस और नए साल के जश्न की तैयारी चल रही है। तमाम आशंकाओं के बीच आज हम आपको एक राहत वाली तस्वीर दिखाएंगे। जी हाँ, राहत वाली बात यह है कि भले ही भारत में ओमिक्रॉन का दायरा बीते कुछ दिनों में बढ़ा है, लेकिन अब तक एक तिहाई मरीज ठीक हो चुके हैं और जो लोग इसकी चपेट में आए उनमें भी बेहद मामूली या कोई लक्षण नहीं थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सावधानियां छोड़ दें, सावधानियां बरतते रहें। ओमिक्रॉन का बढ़ता दायरा पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ा रहा है। भारत में भी कोरोना के इस नए वेरिएंट के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। भारत में ओमिक्रॉन का पहला मामला 2 दिसंबर को सामने आया था। 17 दिसंबर को आंकड़ा 100 के पार पहुंच गया और 21 दिसंबर को मामले 200 के पार चले गए। 100 से 200 का सफर तय करने में ओमिक्रॉन को केवल 5 दिन लगे, मतलब 5 दिन में मामले डबल। ये तस्वीर चिंता को बढ़ाती है, लेकिन तस्वीर का केवल एक ही पहलू नहीं होता। भारत में ओमिक्रॉन की अभी तक की यात्रा को देखें तो पॉजिटिव पिक्चर भी नजर आती है। कैसे, आइए आपको बताते हैं। भारत में ओमिक्रॉन के एक तिहाई मरीज ठीक हो चुके हैं। 77 मरीजों को छुट्टी दी जा चुकी है। महाराष्ट्र में 28 मरीज ठीक हुए, दिल्ली में 17 को छुट्टी मिली, कर्नाटक में 15 मरीज घर लौटे, राजस्थान में 18 मरीज ठीक हो चुके हैं। देश में ऐसे भी राज्य हैं जहां इक्का दुक्का ओमिक्रॉन पीड़ित थे, वो भी डिस्चार्ज हो गए। ठीक होने वाले मरीजों की संख्या उम्मीद बढ़ाने वाली है और ये भरोसा जगाने वाली है कि अगर सही समय पर टेस्ट और ट्रीटमेंट हो जाए तो डेल्टा से ज्यादा संक्रामक माने जा रहे ओमिक्रॉन को मात दी जा सकती है। ओमिक्रॉन से जुड़ी राहत वाली एक और बात है, उसे भी जान लीजिए। ओमिक्रॉन के ज्यादातर मामले हल्के या बिना लक्षण वाले हैं। दिल्ली में भर्ती 31 ओमिक्रॉन पीड़ितों में कोई लक्षण नहीं है। ज्यादातर मरीजों को गले में हल्की खराश की शिकायत है। I was home isolating for 2-3 days and then I got tested for Omicron variant, which was further processed and I was transferred to LNJP hospital. But at the hospital also, I stayed for 4-5 nights on the 12th, I was tested negative again. I had no problem, I had no symptoms. I am perfectly fit and I was perfectly fit back then also. ओमिक्रॉन को लेकर लगातार विशेषज्ञों की रिसर्च जारी है। कोशिश की जा रही है कि इस वेरिएंट का पूरा डीएनए समझा जा सके। ये बात सब कह रहे हैं कि ये डेल्टा से ज्यादा संक्रामक है। केंद्र सरकार भी कह चुकी है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा से 3 गुना ज्यादा संक्रामक है, लेकिन ये डेल्टा से ज्यादा घातक है या नहीं, इसे लेकर पुख्ता तौर पर अभी कुछ नहीं कहा जा रहा। कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन को सबसे बड़ा हथियार माना जाता है। इस लिहाज से देखें तो भारत के लिए राहत है। भारत में टीकाकरण 139 करोड़ के आंकड़े को पार कर गया है और भारत सरकार का कहना है कि अभी तक ऐसे कोई वैज्ञानिक आधार नहीं मिले हैं जिनसे ये पता चले कि मौजूदा वैक्सीन ओमिक्रॉन पर बेअसर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने संसद में एक सवाल के जवाब में ये बात कही है। तो जरूरत ओमिक्रॉन से घबराने की नहीं, बल्कि सावधानी के साथ उसका सामना करने की है। टीकाकरण और सावधानी दो सबसे बड़े रक्षा कवच हैं, जिनके सहारे इस जंग को जीता जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब देखिए, गुड न्यूज के माध्यम से हम लगातार आपको यही कहते हैं कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ये नहीं करना है। और इसमें कोई दो राय नहीं कि ओमिक्रॉन ने नई चुनौती हम सबके सामने पेश की है और ये चुनौती दो तरफा है। एक तो इस वेरिएंट को फैलने से रोकना है और दूसरी तरफ कोरोना पर पूरी तरह से काबू पाना है। और राहत की बात इस बीच में ये है कि इस चुनौती का सामना करने के लिए तैयारियों को लेकर लगातार सरकारें सतर्क हो गई हैं। शिवांगी बताएंगे आगे। बिल्कुल शगुफ्ता, और केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार हर कोई अपनी ओर से पुरजोर कोशिश कर रहा है। इसी के साथ साथ केंद्र सरकार ने जितने भी राज्य हैं उनको चिट्ठी लिखकर कुछ ज़रूरी सलाह दी है, जैसे कि राज्य चाहे तो अपने मुताबिक नाइट कर्फ्यू लगा सकता है। इसके अलावा और भी कई गाइडलाइंस जो हैं वो सरकार की ओर से दी गई, तो क्या है ये सब आप देखिए इस रिपोर्ट में। नया वेरिएंट ओमिक्रॉन पहले के डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले 3 गुना ज्यादा संक्रामक है। जाहिर है सरकार किसी भी तरह की ढिलाई नहीं चाहती। यही वजह है कि केंद्र सरकार ने राज्यों को पत्र लिखकर कुछ बेहद जरूरी सलाह दी है। राज्य सरकारें वॉर रूम बनाए,
इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स को एक्टिव करें। भले ही केस कम हो, केस ट्रेंड्स का एनालिसिस करें। राज्य सरकारें संक्रमण को रोकने के लिए नाइट कर्फ्यू जैसे कड़े कदम भी उठा सकती है। बड़ी सभाओं पर रोक जरूरी हो तो तत्काल एक्शन लें। शादियों और अंतिम संस्कारों में लोगों की संख्या को सीमित करने के लिए कदम उठाने चाहिए। जिला स्तर पर कंटेनमेंट जोन बनाना चाहिए। राज्य सरकारें इस पर नजर रखें कि पिछले हफ्ते में टेस्ट पॉजिटिविटी रेट 10 रहा था या अधिक दर्ज किया गया। अस्पतालों में बिस्तरों पर मरीजों की संख्या कुल संख्या का 40% है या अधिक है। कितने लोगों को ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत है। इस गाइडलाइन को जारी करने के पीछे की वजह ओमिक्रॉन के देश में बढ़ते केस हैं। ओमिक्रॉन के बारे में हम सुन रहे हैं कि इतना सीवियर नहीं है, इन्फेक्शस है, तो इसका एक मतलब यह है कि जब अगर ये फैलता है, एक नई वेव आती है, तो नंबर बहुत जल्दी बढ़ेंगे और बहुत ज़्यादा नंबर होंगे। तो जब छोटे पीरियड में नंबर बढ़ता है तो चाहे वेरिएंट माइल्ड भी हो, क्योंकि डिनोमिनेटर इतना बड़ा है, तो कुछ परसेंटेज उसका सबसेट जो है वो होगा ही होगा जो ज़्यादा बीमार पड़ेंगे और हॉस्पिटल में आएंगे। तो इसलिए आई थिंक हमें ये प्रिपेयर रहना है कि हॉस्पिटल्स में एडमिशंस, हॉस्पिटलाइजेशन रेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, चाहे वो माइल्ड स्ट्रेन भी हो। तो सारे हॉस्पिटल्स को इस स्टेज पर पूरी फुली प्रिपेयर रहना है। एक राज्य के बाद दूसरे राज्य में ओमिक्रॉन फैल रहा है। हालात तो फिलहाल काबू में है, लेकिन खतरा बना हुआ है। जरा सी चूक देश को कोरोना की तीसरी लहर की चपेट में डुबो देगा। दूसरी लहर के वक्त हिंदुस्तान जिस तरह से हिल गया था, जहन में वो भयावह तस्वीरें अब भी ताजा हैं। मुझे लगता है सेकेंड वेव में एक बहुत बड़ी लर्निंग थी सबके लिए, और उसके बाद सरकार की इनिशिएटिव्स पे और जो डायरेक्टिव्स आए और जो सब हॉस्पिटल्स को एक तरह से मैंडेटरी एडवाइस थी कि आपके पास इतनी ऑक्सीजन सप्लाई होनी चाहिए, इतने घंटों का आपके पास बैकअप होना चाहिए, आपके पास ट्वाइस जितनी रिक्वायरमेंट है उसका बैकअप होना चाहिए। आई थिंक जो दिल्ली के मेजर हॉस्पिटल्स हैं, इंक्लूडिंग जैसे हमारे मैक्स हॉस्पिटल्स, हमारे पास अब अप्रोप्रिएट बैकअप है ऑक्सीजन का। कॉन्सेंट्रेटर्स भी हैं, सिलेंडर्स भी बहुत हैं, और PSA प्लांट्स हैं। तो मुझे नहीं लगता, और ये मोस्टली हम हॉस्पिटल्स में ये मैंडेट कर दिया गया है। लिहाजा वक्त रहते चेत जाने में ही भलाई है, और जब मैसेज लाउड एंड क्लियर हो तो गाइडलाइंस का पालन करने में गुरेज किसी भी कीमत पर नहीं की जानी चाहिए। हम सबको ओमिक्रॉन वेरिएंट से एक्स्ट्रा खबरदार रहने की जरूरत है। श्रुतिका के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब देखिए, एयर एंड का वक्त है और इस दौरान लोग पार्टी करने के लिए बाहर निकलते हैं, और शायद यही वजह रही कि केंद्र सरकार की तरफ से राज्य सरकारों को गाइडलाइंस जारी करने के लिए कहा गया है। दरअसल सरकार की हिदायतें तो हमने आपको दिखा दी हैं, अब संभलना आपको है। मास्क लगाइए, हाथ धोते रहिए और 2 गज की दूरी का ख्याल जरूर रखिए, क्योंकि ये वक्त डरने का नहीं बल्कि मुसीबत से डट कर लड़ने का है। क्यों अदिति? हाँ रेखा, नए खतरे के मद्देनजर सरकार लोगों को सचेत तो कर रही है, अस्पताल भी नए वेरिएंट के मद्देनजर तैयारी में जुट गए हैं। गाजियाबाद के यशोदा अस्पताल में कैसी तैयारियां हैं ओमिक्रॉन से निपटने की, चलिए आपको दिखाते हैं। ये गाजियाबाद के एक अस्पताल की तस्वीरें हैं। बेड तैयार किए जा रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी ना हो इसके लिए भी पूरी तैयारी है। किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ की पूरी टीम तैनात है। अस्पताल में अलग वार्ड भी बनकर तैयार हैं। कोरोना की पहली और दूसरी लहर में देश ने जो मंजर देखा, जो मुसीबत लोगों ने झेली, वैसी परिस्थिति दोबारा ना आए उससे निपटने के लिए ये तैयारी हो रही है। आप देखेंगे तो यहाँ पर वेंटिलेटर्स तैयार हैं, वार्ड्स तैयार किए गए हैं। आपात स्थिति आती है तो ऐसे में हॉस्पिटल की तरफ से कोशिश की गई है कि ये संख्या जो बेड्स की है उसको 200 तक पहुँचाया जाए, क्योंकि सेकेंड वेव में जिस तरह के हालात बने थे, ऐसे में लगातार कोशिश अस्पताल ये कर रहा है कि पहले की तरह स्थिति ना हो, सबको प्रॉपर तरीके से व्यवस्थाएं मिले, और उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर तैयारियाँ कर ली गई हैं। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि अभी के हम हालात देख रहे हैं, स्थिति कैसी है, किस तरीके से आपने इस बार तैयारी करी है, और ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए किस तरीके से प्रिपरेशन है? हम तो इस बार सतर्क हैं, अभी शुरुआत में ही हमने व्यवस्थाएं बना रखी और प्लान तैयार। यहाँ अभी तो 62 बेड खुले हैं, और उसमें से 12 बेड्स ICU वाले हैं फॉर कोविड, और हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं 200 बेड तक जी विद इन डे और टू। आपको बता दें कि गाजियाबाद जिले में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मरीज बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना से बचाव की नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इसमें कंटेनमेंट जोन की दूरी घटा दी गई है।
अब माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए जाएंगे। साथ ही मरीज के घर के बाहर स्टिकर लगाया जाएगा। निजी अस्पतालों को ओमिक्रॉन के मरीजों के लिए रिजर्व कर दिया गया है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर स्वास्थ्य विभाग सतर्क है। अस्पतालों ने भी इंतजाम बढ़ा दिए हैं। खास बात यह है कि तैयारी कोरोना की ओमिक्रॉन के साथ साथ नॉन कोविड केस को लेकर भी की गई है। क्या अभी आपने कुछ सोचा है कि जैसे स्थिति अगर बनती है और केसेस ज्यादा आने शुरू होते हैं तो ऐसी परिस्थिति में क्या पूरे, क्योंकि कोविड हॉस्पिटल का मिस होता है कि पूरे के पूरा स्टाफ जो है वो कोविड केयर में लग जाएगा, तो अभी से क्या प्रिपरेशन कुछ प्रैक्टिसेस आप लोगों ने देनी शुरू कर दी अपने स्टाफ को? हाँ, ट्रेनिंग तो अच्छी मिली है। एक साल से हम लोग ट्रेंड हो गए। और दूसरा, जो हाइब्रिड केयर जिसे हम कहते हैं, दोनों कोविड नॉन कोविड केसेस को सेफली हैंडल करना, हम उसमें अभी काफ़ी एक्सपर्टीज मिल गया उसमें वो अरेंजमेंट करने में। तो हम, क्योंकि हम नॉन कोविड केसेस को इग्नोर नहीं कर सकते, काफ़ी समय हो गया है, नॉन कोविड केसेस को भी पर्याप्त अटेंशन मिल रहा है, तो दोनों के लिए हम तैयार। भारत में अब तक ओमिक्रॉन के जितने भी मरीज मिले हैं उनमें किसी तरह के गंभीर लक्षण देखने को नहीं मिले, लेकिन डॉक्टर्स इसे हल्के में बिल्कुल न लेने की सलाह दे रहे हैं। अब तक जो संकेत है कि वो ओमिक्रॉन उतना सीरियस बीमारी नहीं करता, हल्का बीमारी करता। अभी तक हमने जो देखे भी हैं केसेस वो भी सीरियस नहीं थे, पर संभव है कि कुछ लोगों में ये ज़्यादा असर करते हों, क्योंकि एक डेथ का रिपोर्ट है दिल्ली से और कुछ रिपोर्टेड हैं यूके से, तो हम लोग इसके लिए भी हम तैयार हैं। ये तो तय है कि सावधानी बरतने के साथ साथ तैयारी के जरिए ही ओमिक्रॉन के विरुद्ध जारी युद्ध में कामयाबी पाई जा सकती है। पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि संक्रमण फैले ही ना, और अगर संक्रमण फैलता भी है तो समय पर सही इलाज मरीज को मिल सके। वरुण सिन्हा, गाजियाबाद, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं मौसम की। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक सर्दी ने इस बार सबकी कपकपी छुड़ा दी है। जो लोग सर्दी से ठिठुर रहे थे उनके लिए अब राहत भरी खबर है। जी हाँ, मौसम विभाग का कहना है कि ठंड से कांप रहे इलाकों में शीतलहर का असर अब कम होने लगेगा, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण ये बदलाव हो रहे हैं। आने वाले दिनों में बारिश का भी अनुमान है, लेकिन सर्दी कम रहेगी। पहाड़ों में बर्फबारी, मैदानों में ठंड भारी। पहाड़ों पर बर्फ गिरती है तो देश के मैदानी इलाके भी ठिठुरने लगते हैं। शीतलहर ऐसी चलती है मानो सब कुछ जम जाएगा। पहाड़ों पर बर्फ गिरना और सर्द हवाओं का चलना आम है, लेकिन जब मैदानी इलाकों में भी शीतलहर के साथ ओस जमने लगे, बर्फ की परत दिखने लगे, तो साफ है कि सर्दी भीषण है। जो रेगिस्तान गर्मी में उबलता है वो इस बार सर्दी में जम रहा है। बीते कुछ दिनों में क्या पहाड़ी इलाके और क्या मैदानी इलाके, ठंड कुछ ऐसी पड़ी कि कपकपी छूट गई। लोग घर में दुबकने को मजबूर हो गए। सड़क के किनारे अलाव के सहारे ठंड का सामना करते लोग नजर आने लगे। लेकिन अब इस भीषण ठंड से राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग की माने तो 21 तारीख की रात से मौसम ने करवट बदल ली है। दिल्ली NCR समेत देश के उत्तर पश्चिम इलाकों में शीतलहर से राहत मिलेगी। 22 तारीख से तापमान में बदलाव दिखेगा, सर्दी कुछ कम होगी। 21 नाइट से इम्प्रूव है सिग्निफिकेंटली, जो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, यानी 21 नाइट ऑनवर्ड कोल्ड वेव नहीं रहेगा, क्योंकि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है। ये हो गया हमारा पश्चिम भारत का जो वार्निंग। सो हम लोग जो है 20 नाइट ऑनवर्ड या 22 से कोल्ड वेव, सीवियर कोल्ड वेव वार्निंग नहीं दे रहे। देश के सेंट्रल और पूर्वी हिस्से भी शीतलहर की चपेट में थे। कई जगहों पर पारा काफी गिर गया। चाहे बिहार हो, झारखंड, ओडिशा या मध्य प्रदेश, शीतलहर का असर इन राज्यों में देखा गया। लेकिन अब यहाँ भी शीतलहर से राहत का अनुमान है। 22 तारीख की रात से शीतलहर का असर कम होगा। तो मध्य प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और पूर्व उत्तर प्रदेश, ये 22 नाइट तक चलेगा, यानी 23 ऑनवर्ड यहाँ भी कोल्ड वेव नहीं रहेगा।
मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 से 3 दिनों में पश्चिमी विक्षोभ का असर भी दिखने लगेगा। मौसम विभाग ने 22 से 29 तारीख के बीच बारिश की संभावना जताई है। अनुमान है इस दौरान ठंड भी कम पड़ेगी। जब WD आएगा 22 ऑनवर्ड तो कोल्ड वेव नहीं रहेगा अब तो 28-29 और बारिश का भी प्लेन्स में दिल्ली में भी 24-25 को हो सकता है और 26-27 तक भी थोड़ा ड्रिजिल रहेगा, क्लाउडी रहेगा और कंडीशन जो फॉग है वो फेवरेबल हो रहा है उत्तर भारत में। शीतलहर से तो राहत मिलने वाली है लेकिन बारिश के बाद घने कोहरे का अनुमान भी जताया जा रहा है। हो सकता है नए साल की पहली सुबह घने कोहरे में लिपटी हुई आपका स्वागत करे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब देखिए डिस्कशन यहाँ पे हो रही थी पश्चिमी विक्षोभ को लेकर। जिन दर्शकों को नहीं पता उनको बता दे ये होता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ठंड की बात कर लेते हैं, किस किस को बहुत ज्यादा ठंड फील हो रही है? मुझे तो सर्दी आने के नाम से ठंड महसूस हो रही है। मुझे लोग ये बोलते हैं कि तुम पहाड़ों से हो तो तुम्हें ठंड ही नहीं लगती है। मतलब मुझे ये समझ में नहीं आता जो लोग पहाड़ से होते हैं क्यों उन्हें ठंड नहीं लग सकती। पर मेरा ये कहना है कि शगुफ्ता तुम ये सवाल मुझसे पूछ कैसे सकती हो ये बताओ, क्योंकि तुम पहली ठंड है। हाँ, मुझे तो बहुत लगती है, बॉम्बे वालों को तो बहुत लगती है। मिशा बताएगी। मिशा, मैंने जो नोटिस किया है वो ये कि 1-2 दिन में ठंड कम हुई है। ये वाकई जो हम बता रहे हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से जो बदलाव आ रहा है वो एटलीस्ट थोड़ा राहत देने वाला है, लेकिन बारिशें होंगी उसके बाद तापमान में फिर गिरावट देखी जाएगी तो वो एक चेंज फिर से उसके लिए तैयार रहना होगा। और दूसरी बात ये कि ओमिक्रॉन का इस वक्त जिस तरह का खतरा मंडरा रहा है एक्स्ट्रा केयरफुल रहने की हम सबको जरूरत है, क्योंकि नज़ला जुकाम मौसम बदलता है तो वो दे जाता है और सर्दी बढ़ती है तो इस तरह की प्रॉब्लम आती है। पिछले साल भी हमने देखा था कोरोना के मामले बढ़ते ही सर्दी में है, तो सर्दी से अपने आप को जो है बचाए रखिए। और फिलहाल हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन बने रहिए GNT यानी गुड न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। अच्छा कुड़ियों, एक सवाल है तुम सभी से मेरा, पुलवामा के बारे में कौन कौन जानता है? मतलब पुलवामा क्या है, जगह है? अच्छा। मुझे लगता है जो वहां पे दुर्घटना हुई थी उसके बाद हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है पुलवामा। हाँ, लेकिन ये खबर जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ ना, ये थोड़ी सी हटकर है। ये दरअसल यूपी के आजमगढ़ से सामने आई है। मिलवाते हैं आपको एक शख्स से जिनका नाम पुलवामा पड़ गया है, और इसकी वजह ये है कि उनका वो मकसद जिसे वो पूरा करने में कई सालों से लगे हुए थे, और रेखा आगे की कहानी बताएंगी। जी हाँ, दरअसल मकसद है अपने इलाके में पुल बनाना, उनकी मरम्मत करना, उसका रखरखाव करना, और वो भी बिना किसी सरकारी मदद के। और उनके इस काम में लोगों का भी उन्हें भरपूर सहयोग मिल रहा है, अधिकारी भी उनके जज्बे को सलाम कर रहे हैं। आप भी मिलिए पुलवामा से। दुश्वारियों के चर्चे तो खूब हैं शहर में, चलो मुश्किलों के हल का कोई पुल बनाया जाए। ये जमीन आजमगढ़ की है और ये पुल जज्बे और लगन की एक मिसाल है। इस पुल से गुजरते हुए एक नाम हर किसी के जहन में ताजा हो जाता है, लोगों के हाथ दुआओं में उठ जाते हैं, हर कोई शकील अहमद को इस पुल के लिए शुक्रिया कहता है। ये पुल सरकार की रहम का नतीजा नहीं है बल्कि इस पुल की नींव मजबूत इरादों और बुलंद हौसले पर टिकी है। कुछ साल पहले आजमगढ़ के इस इलाके से बहने वाला दरिया लोगों की मुसीबत का सबब हुआ करता था। 1982 में नदी में एक नाव पलट गई। इस हादसे ने यहाँ रहने वाले शकील अहमद को झकझोर कर रख दिया। शकील का दिल दुखा जरूर, लेकिन उन्होंने इस गम को जज्बे में बदल दिया और इस पुल को बनाने में जी जान से जुट गए। आज ये पुल शकील की ही कोशिशों का नतीजा है। जैसे किसी ने मेरे दिल में कह दिया कि उन्हें पुल बना देते, तो मैं जब पुल बनाने लगा तो लोगों के दिल में एक शक हुआ, ये खाने कमाने का रास्ता बना लिया है, मगर मैंने किसी की सुनी नहीं। मेरी लगन थी, मेरी हिम्मत थी कि मैं पुल बना ही कदम लूंगा। शकील कहते हैं कि वो अब तक ऐसे 6 पुलों का निर्माण करा चुके हैं जिसमें से 4 पर लोगों की आवाजाही शुरू हो चुकी है जबकि 2 पर काम जल्द पूरा होने वाला है। पुल बनाने के इस मिशन में शकील अकेले नहीं है, उन्हें लोगों का सहयोग मिलता है। पुल के लिए लोग गेहूं से लेकर धान सरिया सीमेंट तक दान करते हैं। यही नहीं, शकील को पुल के निर्माण के लिए दिल्ली, हरियाणा और यहाँ तक कि दुबई से भी चंदा मिलता है। शकील जी का बहुत बड़ा योगदान रहा और शकील जी ने विभिन्न जगहों पे पुल बनवाए हैं, इसमें से ये पुल भी एक महत्वपूर्ण पुल है और इसमें जितनी भी संभव मदद थी वो हम लोगों द्वारा दी गई है। लोगों की दुश्वारियों को कम करने की शकील की इस तपस्या के चर्चे दूर दूर तक हैं। अधिकारी भी शकील के जज्बे के कायल हैं।
शकील अहमद जी द्वारा बहुत ही एक अच्छी पहल की गई है और एक जनपद के लोगों के लिए और हम सब के लिए एक बहुत अच्छी प्रेरणा स्रोत है जो शकील अहमद जी द्वारा किया गया है। उनको हम जल्दी बुला के उनसे भी जानना चाहेंगे कि उन्होंने किस तरह पहल की, किस किस का योगदान रहा। छोटे शहरों में ऐसी बड़ी मुश्किलों की कोई कमी नहीं, लेकिन इन बड़ी बड़ी मुश्किलों को शकील अहमद जैसे लोग अपनी छोटी छोटी कोशिशों से न केवल हल कर रहे हैं बल्कि अपने जज्बे से लोगों के बीच की दुश्वारियों को भी कम कर रहे हैं। आजमगढ़ से राजीव कुमार, गुड न्यूज टुडे। मजबूत इरादे और हौसले की एक और कहानी अब आपको दिखाते हैं और ये कहानी है हरियाणा के सोनीपत की, जहां एक युवक ने बैंक की नौकरी छोड़ दी और कुछ अलग करने की ठानी। क्यों मिशा? जी हाँ, इस युवक ने अपनी मंजिल हासिल करने के लिए खेती को रास्ता बनाया, अमरूद की खेती शुरू की, वक्त के साथ मेहनत रंग लाई। आज ये युवक लाखों में खेल रहा है और पूरे इलाके में अब इसकी मिसाल दी जा रही है। कोई काम छोटा नहीं होता बशर्ते वो पूरी शिद्दत के साथ किया जाए। ये ताइवान रेड है। मजबूत इरादे के साथ शुरू किए गए काम में सफलता जरूर मिलती है, इसकी मिसाल है सोनीपत के शहजादपुर गांव के कपिल जामदागनी। कपिल पहले प्राइवेट बैंक में नौकरी करते थे, लेकिन उनका ट्रांसफर गुजरात कर दिया गया तो उन्होंने 17 साल पुरानी नौकरी छोड़ दी क्योंकि उनकी सैलरी इतनी नहीं थी कि वो गुजरात में गुजारा कर पाते। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, खेती करने की सोची, वो भी बिल्कुल नए तरीके से। मैंने पहले बैंकिंग लाइन में जॉब करता था, मेरी 40 समथिंग, मेरी 40,000 के करीब मेरी सैलरी थी और 17 साल की मेरी जॉब हो चुकी थी। कोरोना काल में मेरा ट्रांसफर गुजरात का हो गया था, जिसकी वजह से मैं गुजरात इतनी दूर जा नहीं पाया। तो मैंने अपनी मेरी अपनी ज़मीन थी तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ अलग हटके मैं कुछ खेती करूं। कपिल के पास खेती लायक ज़मीन की कमी थी, इसलिए उन्होंने बिल्कुल शुद्ध रूप से ऑर्गेनिक खेती करने की ठानी और शुरू कर दी अमरूद की खेती। तो एक अमरूद ऐसा फल है जो बिल्कुल नेचुरल तरीके से तैयार होता है, बाकी जितने भी फल हम बाज़ार से लेते हैं सब केमिकल से पकाए जाते हैं, ये खुद पेड़ पे पकता है। तो मैंने इसको एक अलग क्वालिटी बनाने के लिए हमने इसको ऑर्गेनिक रूप से मैंने तैयार किया है। मैं इसमें गाय का गोबर, दाड़ों का आटा, गुड़, डीकम्पोजर और नीम की खली, सरसों की खली, लोहा, तांबा, पीतल, माइक्रो न्यूट्रेंट पूरे करने के लिए इस तरह से मैंने ये इसमें ड्रामों में हमने सोल्यूशन तैयार कर रखा है। देखते ही देखते अमरूद की खेती से कपिल की आमदनी बढ़ने लगी, जिससे उनका उत्साह भी बढ़ा। आज उनकी मेहनत रंग ला रही है और अब उनके खेतों में 8 तरीके के अमरूद पैदा हो रहे हैं। कपिल के खेतों में पैदा होने वाले अमरूद खास होते हैं, इसलिए उनको मंडी भी जाने की जरूरत नहीं होती, बल्कि खरीदार खुद उनके पास आते हैं और मुंह मांगी कीमत देकर चले जाते हैं। कपिल को खेती करते करीब 2 साल हो गए हैं, अब उन्होंने अमरूद के साथ नींबू की खेती भी शुरू कर दी है। यही नहीं, उनके बनाए नींबू के आचार की काफी डिमांड है, क्योंकि कपिल का दावा है कि इनका नींबू का आचार 10 साल तक खराब नहीं होगा। केमिकल डाल रहे हैं ना, तेजाब डाल रहे हैं, उसको एक नीम के पत्तों में दबा के उसको एक वैज्ञानिक पत्ती से हम तैयार कर रहे हैं ताकि आचार हमारा 10 साल भी खराब ना हो। अपनी मेहनत और लगन से कपिल की कमाई लाखों में पहुंच चुकी है और वो इलाके के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। पवन राठी, सोनीपत, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब जरा बात कर लेते हैं बच्चों की। बच्चों को कोई भी पाठ पढ़ाना और समझाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, लेकिन खेल खेल में ना जब कोई बात बताई जाए तो वो उसे तुरंत समझ जाते हैं। मध्य प्रदेश के बैतूल में एक ऐसा ही पार्क बनाया गया है जहाँ बच्चों को ट्रैफिक से जुड़े नियमों को किस तरह से समझाया जाता है, अदिति बताएंगी। जी हाँ, सड़क के नियमों की ये पाठशाला बच्चों को बहुत अच्छी लग रही है क्योंकि इसमें बड़ी से बड़ी बातों को बहुत ही खास अंदाज से बताया गया है। ये पार्क इतना मशहूर हो चुका है कि दूसरी जगहों से भी लोग बच्चों के साथ यहाँ पर पहुँच रहे हैं। ये जो रंग बिरंगी जगह आपको दिखाई दे रही है ये एक पार्क है। अब आप कहेंगे पार्क में हरी घास रहती है, झूले रहते हैं, लेकिन यहाँ तो भवनों के मॉडल बने हैं, सड़कें बनी हैं,
चलिए आपको इस जगह का पूरा परिचय देते हैं। इस जगह का नाम है ट्रैफिक पार्क। ये नाम पहली बार सुना होगा क्योंकि देश में अपनी तरह का इकलौता ऐसा पार्क है जहां बच्चों को ट्रैफिक नियमों की जानकारी दी जाती है, सड़क पर चलना सिखाया जाता है। एक तरीके से ट्रैफिक के नियमों को का प्रैक्टिकल है ये कि ग्राउंड पे कहां से लेफ्ट है, राइट है, क्या नियम है, कहां स्पीड ब्रेकर, कहां आपको स्पीड स्लो करनी है। इसमें स्कूल और कॉम्प्लेक्स मॉल और हॉस्पिटल्स वगैरह के मॉडल्स भी बनाए गए हैं। रूल्स ऑफ द रोड नाम का चैप्टर तो स्कूल की हर किताब में होता है, लेकिन प्रैक्टिकल तौर पर जानकारी देने की कोशिश शायद ही कभी की जाती है। इस पार्क में हर जानकारी ऐसे अंदाज में दी गई है जिससे बच्चे काफी आराम से सीख जाते हैं। मसलन स्कूल और अस्पताल के सामने से कैसे बिना हॉर्न बजाए गुजरना है, जेब्रा क्रॉसिंग कैसे पार करनी है, मानव रहित रेलवे फाटक को कैसे पार करना है, ऐसी कई सारी जानकारियाँ एक जगह पर मौजूद हैं। इस पार्क को मध्य प्रदेश की बैतूल पुलिस ने सामाजिक संगठनों की मदद से तैयार किया है जो बच्चों के साथ बड़े लोगों के लिए भी मददगार साबित हो रहा है, क्योंकि सड़कों पर बने इन साइन बोर्ड्स का मतलब तो कई लोगों को पता ही नहीं। ऐसे में सड़क नियमों की पाठशाला बेहद काम की साबित हो रही है। राजेश भाटिया, बैतूल, गुड न्यूज टुडे। और अब जरा कार मार्केट की हलचल भी आपको बता दें। दिसंबर खत्म होने को है और नए साल से पहले कार कंपनीज ने खरीदारों के लिए बंपर छूट का ऐलान कर दिया है। दरअसल 2021 के मॉडल्स का स्टॉक खत्म करने के लिए ज्यादातर कार कंपनियों ने दिसंबर में ग्राहकों को कार पर मिलने वाली छूट को बढ़ा दिया है। एक्सचेंज बोनस से लेकर कैश छूट तक कार कंपनियां ग्राहकों को बढ़ा यहां पर फायदा पहुंचा रही हैं और बड़ा फायदा पहुंचाने का दम भर रही हैं। देखिए आप, साल 2021 को खत्म होने में अब महज चंद दिन बचे हैं। ऐसे में कार कंपनियां अपना 2021 का स्टॉक निकालने के लिए लोगों को ज्यादा डिस्काउंट्स देकर लुभा रही हैं। यानी कार खरीदने वालों को अगर 2022 मॉडल की चाहत नहीं है और वो 2021 मॉडल से काम चला सकते हैं, तो फिर उन्हें 31 दिसंबर तक कार खरीदने पर अच्छा खासा फायदा हो सकता है। दिसंबर के महीने में मारुति अपनी कारों पर 45,000 रुपए तक की छूट दे रही है, जबकि हुंडई ने 50,000 रुपए तक का फायदा अपने ग्राहकों को देने का ऐलान किया है। वहीं टाटा की कारों को खरीदने वालों को 40,000 रुपए तक की छूट मिल सकती है। महिंद्रा एंड महिंद्रा की गाड़ियों को अपने गैराज की शान बनाने के लिए 65,000 रुपए तक का फायदा इस महीने के बाकी बचे दिनों में मिल सकता है। और सबसे ज्यादा डिस्काउंट के लिए रेनो के शोरूम जाने में फायदा है, जहां पर 1,30,000 रुपए तक का डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है। इसके अलावा होंडा, निसान, डैटसन, स्कोडा जैसी सभी कंपनियां अच्छे डिस्काउंट्स ऑफर कर रही हैं। इनमें कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस, कॉर्पोरेट डिस्काउंट जैसे कई ऑफर्स शामिल हैं। दरअसल दिसंबर साल का आखिरी महीना होता है, इसके बाद नया साल शुरू हो जाता है। साल खत्म होने के साथ ही कार का प्रोडक्शन ईयर भी बदल जाता है, यानी जिस कार का प्रोडक्शन 2021 में हुआ है, साल बदलने से उसका मॉडल साल भर पुराना हो जाएगा। अब जो ग्राहक जनवरी 2022 में कार खरीदते हैं, वो दिसंबर 2021 में प्रोडक्शन वाली कार नहीं खरीदेंगे, क्योंकि वो उनकी आरसी पर साल भर पुराना मॉडल माना जाएगा। इसी वजह से ज्यादातर कंपनियां दिसंबर में कुछ समय के लिए कार का प्रोडक्शन भी बंद कर देती हैं। साथ ही पुरानी कारों के स्टॉक को निकालने के लिए दिसंबर में सबसे ज्यादा छूट भी देती हैं। लेकिन जिस तरह से देश में सेमीकंडक्टर संकट की वजह से कारों का उत्पादन घटा है, उसके चलते ये डिस्काउंट केवल उन्हीं कारों पर मिल पाएंगे जिनकी डिमांड कम है और वो स्टॉक में मौजूद हैं। इसके अलावा दिसंबर में कार खरीदने वालों को जनवरी की महंगाई से भी बचने का मौका मिलेगा। ज्यादातर कार कंपनियों ने 1 जनवरी 2022 से कारों की कीमतों में इजाफा करने का ऐलान कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। कुड़ियो, जो तस्वीर अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ ना, उसे देख के आपको लगेगा कि शायद किसी की बारात निकली है, लेकिन यहाँ पर मामला ना कुछ और है और जश्न किसी और वजह से मनाया जा रहा है। देखिए, मध्य प्रदेश के मुरारी चायवाला ने 12,500 का एक मोबाइल खरीदा
और ये मुरारी और उनके परिवार के लिए इतनी बड़ी बात थी कि उन्होंने दुकानदार की दुकान से ढोल शहनाई के साथ मोबाइल अपने घर पे लाए। मुरारी की चाय की इस इलाके में जितनी चर्चा है ना, अब उतनी ही चर्चा उनके मोबाइल वाले जश्न की जा रही है। शगुफ्ता, वैसे आपने मोबाइल की कीमत बता दी, मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि खर्चा कितना है इस बारात को निकालने में। देखिए लगभग 20,000 पूरा जो है मोटा मोटा मोबाइल के साथ 20,000 खर्चा आया है। तो खुशी देखिए इनकी। चलिए ठीक है, जो उनको खुशी दे रहा है। एक बार आप फोन लेकर आए तो आप भी बिल्कुल ढोल नगाड़ों के साथ। तो कुड़ियों कैसी लगी ये बारात और शहनाई जो निकली है मोबाइल की? मुझे थोड़ा सा इस बात का गम जरूर हो रहा है कि जितने का फोन लिया उतने से थोड़े कम पैसे उन्होंने इस बारात में व्यर्थ कर दिए। मतलब बेटी थी, उनके हाथ में फोन था, उसको कुछ ले लेते हैं। खुशी ढूंढ ली उन्होंने, और सबसे बड़ी बात की अपनी बेटी के लिए वो कर रहे थे ये शगुप्ता। तो बेटी की खुशी। और बिल्कुल ठीक है शिवांगी, और तुम्हारी बात सुन के मुझे एक बात और याद आ गई जिसमें फिर से शहनाई बजी। आपको एक ऐसी शादी में लेकर चलते हैं जिसकी चर्चा गुजरात के साथ साथ पूरे देश में हो रही है। जर्मनी के दूल्हे मियां ने रूस की अपनी प्रेमिका को दुल्हन बना लिया, और मिशा बताएंगी पूरी कहानी। जी हाँ, मैं आपको बताने जा रही हूँ कि खास क्या है इस शादी को लेकर। तो जनाब, खास बात यह है कि इस विदेशी जोड़े ने शुद्ध देसी मतलब हिंदुस्तानी अंदाज में शादी की है। शादी में तमाम हिंदू रीति रिवाज से शादी की गई है। किस तरह से हुई है शादी, हमारी रिपोर्ट देखिए। दुल्हन के बदन पर सुर्ख लाल रंग का जोड़ा, दूल्हे के सिर पर परंपरागत हिंदुस्तानी सेहरा, मंत्रोच्चार के बीच सात जन्मों तक साथ निभाने की कस्में। गुजरात के साबरकांठा में हुई ये शादी बेहद खास है। खास इसलिए क्योंकि हिंदुस्तान की धरती पर हिंदू परंपरा के मुताबिक शादी करने वाले ये दुल्हा दुल्हन भी खास हैं। दूल्हे मियां क्रिस मूलर जर्मनी के रहने वाले हैं, तो वहीं उनके खूबसूरत दुल्हनिया जूलिया उखवतकीना रूस की रहने वाली हैं। जूलिया अंग्रेजी टीचर होने के साथ ही योग सिखाती हैं, वहीं क्रिस मूलर सिंगापुर में एक जर्मन कंपनी के सीईओ हैं। वियतनाम में काम के सिलसिले में क्रिस मूलर से उनकी मुलाकात हुई। दोनों के बीच हुई दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। दोनों को अलग अलग धर्म के बारे में जानने में काफी रुचि है। भारतीय संस्कृति और धर्म से प्रभावित जूलिया 8 बार भारत आ चुकी हैं। पिछले साल दोनों एक साथ कुंभ मेले में भी आए थे, तभी तय किया कि वो शादी करेंगे, और वो भी हिंदुस्तान की धरती पर हिंदू रीति रिवाज से। क्रिस और जूलिया की शादी के सपने को पूरा किया उनके भारतीय दोस्त नीलेश चौहान और भागीरथ पटेल ने। सकरोदिया गांव में शादी का मंडप तैयार हुआ और पूरे विधि विधान के साथ विवाह संपन्न हुआ। अपनी प्रेमिका के साथ सात फेरे लेने वाले क्रिस बेहद खुश हैं। First of all, thank you for having me. It's an honor to talk. So we came to here to India to celebrate our wedding, which is such a unique opportunity for us. I was never a big fan of Western weddings because for me, at least from my humble point of view, they lack a little bit the spiritual part in it, and it's often very material. And since my teacher is here from India, my guru, we had this unique opportunity to have the wedding here in India. And what can I say? It is still absolutely an incredible experience. We will remember that for the rest of our lives. And I don't know, I could tell you so much of how special this is. भारत की संस्कृति और भारत का अध्यात्म वैसे तो दुनिया भर को आकर्षित करता है, लेकिन इसमें रमने और इसे जिंदगी में कभी ना भूलने वाला लम्हा बनाकर इस विदेशी जोड़े ने अद्भुत यादों को संजोया है। सात समंदर पार से आकर भारत में सात जन्म के बंधन में बंधना न केवल इन दोनों के लिए खास था, बल्कि गुजरात के सकरोदिया गाँव के लिए भी ये शादी किसी उत्सव से कम नहीं थी। साबरकांठा से गोपी मनिहार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इधर जंगल और वहां के रहने वाले जानवर कुदरत का एक नायाब तोहफा है, लेकिन जब अपना आशियाना बसाने की चाहत में इंसान जंगलों में घुसपैठ कर देता है तो बेजुबानों की शामत आ जाती है। अब देखिए, रामपुर में ऐसे बेजुबानों की मदद का बीड़ा उठाया है एक संस्था ने। ये संस्था बेजुबानों का इलाज कराने के बाद इन्हें वन विभाग को सौंप देती है, और इस मुहिम के तहत अब
तक कई जंगली जानवरों का रेस्क्यू सफलतापूर्वक किया जा चुका है। भटकते हुए बेजुबान जब इंसानों की बस्ती में जा पहुंचे तो इनकी जान खतरे में पड़ गई। जंगल के नजदीक बसे रामपुर में इन जंगली मेहमानों का आना आम बात है। ये बेजुबान जब गांव में आ जाते हैं तो कभी आवारा कुत्तों के हमले का शिकार हो जाते हैं, कभी जान बचाने की कोशिश में जख्मी हो जाते हैं। रामपुर में इनकी हिफाजत का जिम्मा एक एनिमल वेलफेयर सोसाइटी उठा रही है। इस एनजीओ से जुड़े लोग जंगल से आने वाले जानवरों और पक्षियों का इलाज कराने के बाद इन्हें वन विभाग के सुपुर्द कर देते हैं। जब मैं अकेले करता था काम, लेकिन जब मैंने देखा कि अब यहाँ एक समूह की ज़रूरत है, तब मैंने इस सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन करा के और जबी से ऐसे तमाम बेजुबान जानवरों के लिए काम करना शुरू किया। शुरू में बहुत सारी समस्याएँ आती थीं, तमाम ऐसे जो ऑलरेडी पहले से ही पशु कल्याण हितों में कार्यरत संस्थाएं हैं उनसे भी मदद ली। ये मेरे सब तमाम प्रेरणा स्रोत रहे और इन्हीं से हेल्प लेकर और मैंने ये सारा कार्य कर रहा हूँ। विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुका गिद्ध भी जख्मी होकर रामपुर गांव में पहुंचा था। अब इलाज के बाद वो स्वस्थ है और अपने घर लौटने को तैयार है। बेजुबानों के लिए काम करने वाली ये संस्था अब तक बारासिंघा, सारस, नीलगाय, तेंदुआ, हिरन और अजगर का रेस्क्यू कर चुकी है। जिनकी जान नहीं बच पाई उन्हें विदाई भी पूरे सम्मान के साथ दी जाती है। इन कोशिशों को वन विभाग से भी सराहना मिल रही है। कभी भी कोई जो ग्रामीण द्वारा सूचना मिलती है कभी हम तक नहीं पहुंच पाती, इन तक पहुंच जाती है, तो ये अपनी अभिरक्षा में लेके उसका प्राथमिक इलाज भी कराते हैं, फिर हमें सूचित करते हैं। तो काफ़ी समय से ये वन और वन्य जीव के उद्धार में या उनके उनकी अच्छे स्वास्थ्य के लिए ये लोग काम कर रहे हैं। ये अच्छी बात है कि जो लोकल लोग हैं वो भी इन चीज़ों में आगे बढ़कर हमारे साथ खड़े हुए हैं। देश का कानून जंगल में रहने वाले बेजुबानों को भी संरक्षण देता है, लेकिन इन कानूनों की अक्सर अनदेखी कर दी जाती है। जंगल में रहने वाले जानवर अपना दर्द खुद बयां नहीं कर सकते, ऐसे में इंसानों की संवेदना ही इन बेजुबानों के जख्मों पर सबसे बड़ा मरहम है। इनकी सुरक्षा के लिए उठाए गए छोटे छोटे कदम ही एक दिन बड़े बदलाव की बयार ला सकते हैं। आमिर खान, रामपुर, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं सोशल मीडिया की और क्या हलचल वहाँ चल रही है। आज खास बात होगी सचिन तेंदुलकर जो कि मास्टर ब्लास्टर हैं और ये किस तरह के वीडियो बना रहे हैं और सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, ये भी आप देख लीजिए। मैं तेंदु फिर मिलांगी ना मिली कुछ नहीं रह गया फिर मोबाइल के बाहर भी एक दुनिया है और उससे अपना कोई लेना देना नहीं है। अरे अभिषेक नया बाइक लिया? हाँ भाई, पूरे 45 का एवरेज देती है। ला एक राउंड दे। अरे नहीं भाई। अरे देना यार, साथ में जाते हैं। नहीं नहीं मुझे अकेले जाना है। देना देना। अरे दे, दे अरे। मिसल पाव की कुछ बात ही अलग है। इट रिमाइंड्स मी ऑफ बर्मीज खाउसवे, पण महाराष्ट्राची मिसल पाव एक नंबर। तो देखिए चाय की चुस्की और फील गुड वाली खबरों और तस्वीरों के साथ वक्त कैसे बीतता है पता ही नहीं चलता। जी हाँ, और यही तो शो की यूएसपी है, एक घंटा कब गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। बिल्कुल, चाय पर चर्चा में एक घंटा एक मिनट की तरह लगता है और अब आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है।
लेकिन अब आपसे कल होगी मुलाकात। हमें पता है आप चाय पर चर्चा को मिस करते हैं। देखिए मिस तो हम भी आपको करने वाले हैं, सभी लड़कियां करने वाली हैं, लेकिन 24 घंटे की तो बात है। कल फिर से आप सभी के साथ मुलाकात होगी, तो खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, देखते रहिए गुड न्यूज़ सुने और फिर भी गुड न्यूज़।